जो कि दादर में है। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट इस बार कुछ ज्यादा ही, क्योंकि मैं एनिमल हाथ में लेने वाली हूँ और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि सारा का सारा एनिमल मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी। डरती वरती नहीं रायरा, चलो जाना कैसे, पहले तो जहाँ पर भी रहते वहां से दादर आओ, दादर से वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे आओ, नहीं तो ऑटो लेके आओ। चलो वी डिसाइडेड कि हम बाय वॉकिंग में जाएंगे, क्योंकि जस्ट 15 मिनट्स के वॉकिंग पे ही था स्टेशन से। तो फाइनली वी रीच मरीना, एंट्री फी इज जस्ट 20 रुपीज। अगर एनिमल को ऑफकोर्स सिर्फ देखना है, अगर आपको वाइल्ड एनिमल के साथ इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए अलग चार्ज होंगे। तो चले सारे वाइल्ड एनिमल को हमें कवर करना है। Here we find a white turkey and as well a duck and a cutie cutie ducks look so cute. So found that rat or rabbit, I don't know what is this. Wow! Rabbit के लिए 50 रुपीस चार्ज है, तो चलो देखते हैं। To interact with the rabbit they charge only 50 rupees. ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर जाकर बस एक रैबिट को पकड़ लूँ और उसके साथ खेलूँ। बहुत ज़्यादा ही क्यूट क्यूट यहाँ पे रैबिट्स थे और उसमें से बस मैं एक ही को पकड़ पाई, क्योंकि सारे सब भाग ही रहे थे। बट आई एम सो हैप्पी टू होल्ड दिस क्यूट रैबिट। आई ऑल्सो फाइंड हेयर कॉकटेल पैरट विच इज़ माई फेवरेट, इट्स वाइट कलर। और यहाँ पे बहुत सारे पैरट्स हैं, मैं हर किसी का नाम तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे बस कॉकटेल पैरट का ही नाम पता है। पैरट के साउंड सबको सुनाई दे रहे होंगे, इससे आप समझ ही सकते हो यहाँ पे कितने सारे पैरट्स हैं और यहाँ पे ये पैरट की फैमिली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे सबका फेवरेट मकाओ, ओ माय गॉड, मैं तो इसको हमेशा से देखना चाहती थी, मैंने कभी इतने करीब से मकाओ को नहीं देखा था। और आपको बता दूँ कि ये इंडिया में इलीगल है घर में पालना, आप होम में से नहीं रख सकते, बट मैंने फाइनली यहाँ पे मकाओ को देखा। और आपको पता है मकाऊ बोल भी सकते हैं, मैंने इनसे पूछा कि मैं इसे हाथ में ले सकती हूँ क्या, बट मे बी इट्स वाइट पाइथन। अगर आपको स्नेक और इग्वाना के साथ इंटरेक्शन करना है तो आपको 100 रुपीज चार्ज करना होगा। दिस इज एन कारपेट पाइथन, के इंसानों से ज़्यादा तो डेंजर नहीं है, बट इस लेडी ने मेरा कॉन्फिडेंस ही पूरा का पूरा ही ख़त्म ही कर दिया, आप देख सकते हो। कोई नहीं दीदी, कर लोगे आप। जितना सोचा था बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है डसने का काम सिर्फ इंसान करते हैं, स्नेक्स नहीं। 100 रुपीज़ में आप पाइथन और इग्वाना को भी टच कर सकते हो, जैसे स्नेक के साथ इग्वाना फ्री है। दिस इज एन ग्रीन लुटिनो इग्वाना। जिस लड़की को छिपकली से डर लगता है कृपया इससे दूर रहिए। हाँ भाई, मुझे भी लगता है डर, पर जो प्यार में दर्द ना मिले वो प्यार ही क्या। सच बता रही हूँ, ये मुझसे डर रहा है, मैं इससे नहीं डर रही मामा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई नहीं आके बजा जाता है। नहीं नहीं, शांत हो जा, छोड़ दूंगी तुझे कुछ देर में, फोटो ले दूं पहले अच्छी खासी। पाइथन और इग्वाना ने तो मुझे कुछ नहीं किया, अब मैं जा रही हूँ और थोड़ा रिस्क लेने, क्योंकि मैं अर्जेंटाइन ब्लैक एंड वाइट टेगो को हाथ में लेने वाली हूँ, जिसका कॉस्ट मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ पड़ा टेगो के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और ये सबसे लार्जेस्ट टेगो लिजार्ड है, जो कि इंटेलिजेंट भी होते हैं और सम टाइम एग्रेसिव भी होते हैं। आप देख सकते हो, एक तो हाथ में आ गई, दूसरा हाथ में ही नहीं आ रहा था, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उनके नाखून जो थे ना वो बहुत ज़्यादा नुकीले थे, तो मेरे हाथ में लगने के भी चांसेस थे। अगेन मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि यहाँ के कोई भी एनिमल आपको हार्म नहीं करेगी, यहाँ के गाइड भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सारे के सारे एनिमल काफ़ी फ्रेंडली थे, तो आपको ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। रिस्क तो अपने बहुत लिए होंगे, कभी एक्सपीरियंस लेके भी देख लो। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। यार ये तो मुझसे भी ज्यादा नखरे दिखा रहा है यार, एक बार बस हाथ में आ जाओ, फोटो लेके सच में चली जाऊंगी।
सकते। हे भगवान मालिक, अंदर मत जाओ। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए पांडिया, ए पांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सहलूंगा। पांडिया सहलूंगा क्या मालिक? सच्ची अब ये कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो गया था, तो मुझे लगा अब ये हाथ में नहीं आएगा, बट दिस गाय हेल्प मी अ लॉट। इन्होंने कुछ तो ऐसे किया और वो मेरे हाथ में बस कामली बैठ गया और शांति से मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने दिए। अब उनकी जीप देख सकते हो कैसे उनकी जीप बाहर निकल रही है। गर्ल्स तो ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना, अरे मतलब करो यार, मतलब एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो क्या ही करोगे लाइफ में। शायद इन्हें अपने मालिक के साथ ही रहना पसंद है, किसी और के साथ नहीं। अभी हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिच देखने, लेट्स गो। ये सबसे ज्यादा ही नॉटी ऑस्ट्रिच है यहाँ की, इसे बस यहाँ से बाहर निकलना था। देखो कैसे बाहर आ रही है, ये कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने तो ऑस्ट्रिच भी कभी नहीं देखा था। मैं अपने लाइफ में बस न्यू एक्सपीरियंस आजकल कर रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा, देखो ना कैसे इनको बाहर निकाला था, ये सबको बस भगा ही रही थी, यहाँ से वहाँ बस जा रही थी। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, बट ना एक शॉट मुझे मिल गया कि वो मेरे पास से गुजरी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। हाय, वहाँ पे और एक ऑस्ट्रिच थी जो शांति से बैठी थी, शायद वो लड़की होगी इसलिए शांति से बैठी थी, और ये शायद लड़का था इसलिए इतना नॉटी हो रहा था। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। सो हम चले एक्वा फिश और एनाकोंडा देखने। यहाँ पे बहुत ही सारे फिशेस थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और यहाँ पे एक एनाकोंडा भी है, लेट्स गो दिखाती हूँ। सो ये है येलो एनाकोंडा जो कि बहुत रेयर मिलते हैं इंडिया में। ग्रीन एनाकोंडा आपको मिल जाएंगे, बट येलो एनाकोंडा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम इसे टच कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ये छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगा, और शायद ये मुझे हाथ में भी दे देते तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती, क्योंकि आइए एनाकोंडा है भाई, कोई नॉर्मल स्नेक्स नहीं है। बट सी यहाँ पे दो दो एनाकोंडा है और ये पानी में रहते हैं, और देखो आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा डेंजर लग रहा है। अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी एनिमल डेंजरस नहीं होते हैं, अगर आप उन्हें हार्म नहीं करोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा एक्सपीरियंस करना सिर्फ मुंबई दादर मरीन एक्वा में ही आपको मिलेगा। सो आप ज़रूर ज़रूर विज़िट करना, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने मिलेगा। सो दिस इज़ माई हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर ज़रूर यहाँ पे आओ और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करो। इनके पास काफ़ी वैरायटी के फिश हैं, मैंने ज़्यादा कुछ तो कैप्चर नहीं किया, बट फ्यू जो भी कैप्चर किया वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी थे। और यहाँ पे ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, वैसे हाथ में आए तो मैं डर जाऊँ, बट स्टिल वाओ कितना प्यारा है ना ये। और बाहर यहाँ पे टर्टल्स भी बहुत सारे हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।